दिल्ली में एक बार फिर छिड़ी दिल्ली बनाम बाहरी पर बहस। बिहार के लोगों पर सीएम केजरीवाल के बयान पर मचा बवाल। बीजेपी और जेडीयू के निशाने पर आए अरविंद केजरीवाल। एनआरसी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली बनाम बाहरी पर छिड़ी बहस अभी थमी नहीं थी कि केजरीवाल ने एक और ऐसा बयान दे दिया है जिस पर अब नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है। अपनी सरकार की योजनाओं की तारीफ करते करते सीएम केजरीवाल ने ऐसा बयान दे दिया कि दिल्ली से पटना तक सियासी बवंडर खड़ा हो गया। केजरीवाल के इस बयान पर कैसे गर्मा गई है दिल्ली से लेकर बिहार तक की राजनीति बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सुनिए आखिर केजरीवाल ने कहा क्या है। पूरे देश में अब जिस किस्म की व्यवस्था अपनी दिल्ली में है, ऐसी व्यवस्था किसी राज्य के अंदर कहीं नहीं है जो अब दिल्ली के अंदर हो गई है। सारी दवाइयां फ्री। अब ऐसा है कि बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। दिल्ली में चंद महीने बाद विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में केजरीवाल के इस बयान से दिल्ली की सियासत में नई सरगर्मी पैदा हो गई। बिहार के लोगों पर केजरीवाल की इस टिप्पणी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक नजर आ रही है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने तो सीएम केजरीवाल पर पलटवार करते हुए यहां तक कह डाला कि बाहरी लोगों के आने से उनका कलेजा क्यों फट रहा है। देखिए, अरविंद केजरीवाल जो पूर्वांचलियों से, बिहार के लोगों से, यूपी के लोगों से, पर प्रांतियों से, दूसरे प्रांत के लोग जो दिल्ली में आके बसे हैं, उनके प्रति जो अरविंद केजरीवाल जी का घृणा का भाव है वो सामने आ रहा है। दिल्ली में एनआरसी को लेकर पहले ही सीएम अरविंद केजरीवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी आमने सामने हैं। दिल्ली में एनआरसी लागू करने की मनोज तिवारी की मांग पर सीएम केजरीवाल ने पिछले दिनों कहा था कि अगर दिल्ली में एनआरसी लागू हुआ तो सबसे पहले दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी को दिल्ली छोड़नी पड़ेगी। केजरीवाल के इस बयान पर बीजेपी ने काफी हंगामा भी किया, लेकिन केजरीवाल के नए बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। सीएम केजरीवाल का विवादित बयान बिहार के लोगों से जुड़ा है, तो फिर बिहार की सत्ताधारी जेडीयू भला कैसे चुप रहती। जेडीयू ने तो अरविंद केजरीवाल की तुलना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे से कर डाली। चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल जी के वक्तव्य से लगता है कि उनके अंदर राज ठाकरे की आत्मा प्रवेश कर गई है, और न वो इस तरह का वक्तव्य नहीं देते। दिल्ली देश की राजधानी है और यहाँ देश भर से लोग आते हैं। दिल्ली में करीब 28 लाख लोग अकेले यूपी से हैं, जबकि दूसरे नंबर पर बिहार के लोग हैं। दिल्ली में 10 लाख से अधिक प्रवासी बिहारी रहते हैं। ये वोट बैंक अब तक केजरीवाल की पार्टी से जुड़ा हुआ था, जो अब कमोबेश बीजेपी की ओर शिफ्ट हो चुका है, और यही वजह है कि केजरीवाल बार बार दिल्ली बनाम बाहरी का मुद्दा उछाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।